नमस्कार दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है के आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं शेखर अस्तित्व जी। दोस्तों, ये एपिसोड जो है हमने शेखर जी के साथ रिकॉर्ड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे टेक्निकल कारणों की वजह से शेखर जी की आवाज़ जो है वो काफ़ी वॉबलिंग कर रही थी, जिसको हम काफ़ी कोशिश करने के बाद भी रिट्रीव नहीं कर पाए, मतलब उस क्वालिटी से नहीं प्रेजेंट कर पाए जिस क्वालिटी से हम लोग अब तक करते आए हैं। तो ये हम लोगों ने, टीम ने डिसाइड किया है कि इस पूरे जो इंटरव्यू हमारा शेखर जी के साथ रहा उसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाए और उसको आपके तक पहुंचाया जाए, ताकि आप ओरिजिनल इंटरव्यू है उसको जब आप बाद में सुने तो आपको समझ में आ जाए कि क्या बात हुई थी। तो ये एपिसोड थोड़ा सा आपको लंबा देखने में लग रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में हम आपको वो ट्रांसक्रिप्टेड वर्जन सुना रहे हैं जिसको ट्रांसक्रिप्ट किया है हमारे साथी विश्व दीपक ने, और इसको आवाज़ दी है सुशील ने। तो सुशील की आवाज़ में आप ये ट्रांसक्रिप्टेड वर्जन सुनिए, और उसके बाद रेडियो प्लेबैक के जिंगल के बाद आप जो मूल फाइल है हमारी, जो हमने शेखर जी के साथ रिकॉर्ड किया था, उसको भी आप सुनना चाहें तो आप उसको भी सुन सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है ताकि ये जो संवाद हुआ है शेखर जी के साथ, ये आप तक ठीक से पहुंच पाए। तो आई होप आप हमारे इस समस्या को समझ पाएंगे, और जो असुविधा आपको हुई है उसके लिए हम बाकी खेद व्यक्त करते हैं। और प्लीज एंजॉय कीजिए इस एपिसोड को विथ ट्रांसक्रिप्टेड वर्जन फर्स्ट, एंड देन यू कैन गो अहेड टू लिसन द ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ऑफ द इंटरव्यू। थैंक यू। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं उनकी बातें जिन्होंने अपने गाने से एक नए मुहावरे को गढ़ा है। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने इन पंक्तियों को सुनकर अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार न महसूस किया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म संजू के जोशदार जोरदार गाने कर हर मैदान फतह की। पर्दे पर रणबीर कपूर और कानों में सुखविंदर जब पिघला दे जंजीरें का हुंकार लगाते हैं, तो हम सबकी जंजीरें शमशीरों में तब्दील होने लगती हैं। फिर हमारा मन इन पंक्तियों को रचने वाले को सौ सलाम कर जाता है। इन शब्दों में ऐसी ऊर्जा क्यों ना हो जब कवि खुद अपने नाम को यूं पारिभाषित करते हैं। ये तो अस्तित्व की लड़ाई है, सिर न दोगे तो कमर जाएगी। तो हम यहां बात कर रहे हैं शेखर अस्तित्व जी की। शेखर जी को और जानने से पहले हम इसी जोशदार लहजे की कुछ और पंक्तियां सुन लेते हैं। जिसकी आंखों में ख्वाब होता है बस वही कामयाब होता है, जो कड़ी धूप में खिले दिन भर वो पसीना गुलाब होता है, वक्त का इंतजार क्या करना, कौन सा दिन खराब होता है, जीतना है तो जानना होगा ईंट का क्या जवाब होता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथी सजीव सारथी को इनका एक संक्षिप्त साक्षात्कार करने का मौका मिला। शेखर जी ने हमसे अपने फिल्मी और टीवी जगत के कई सारे अनुभवों को साझा किया। बात इनके बचपन से शुरू हुई तो हमें मालूम चला कि शेखर जी मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले हैं। लेखन कला इन्हें इनके बाबूजी से विरासत में मिली। पांचवी छठी कक्षा में ये विधिवत लिखने लगे, फिर विद्यालय के प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे। लिखते लिखते कब कलम ने इन्हें गोद ले लिया और इनकी आजीविका का हिस्सा बन गई, इन्हें इसका बाण ही ना हुआ। शेखर जी से जब पूछा गया कि लिखते हुए मुंबई में किस्मत आजमाने का उन्हें कैसे ख्याल आया, तो उन्होंने कहा कि लेखन के अवसर उन्हें बदस्तूर मिलते रहे और सब कुछ खुद ब खुद होता रहा। मुंबई आने पर इनकी मुलाकात दादू रविंद्र जैन जी से हुई। दादू ठहरे महर्षि परोपकारी आदमी, तो उनके साथ सीखने के इन्हें काफी बेहतरीन मौके मिले। दादू के कारण इन्हें रामानंद सागर जी जैसे दिग्गज का सानिध्य प्राप्त हुआ। शेखर जी अपने ऊपर दादू की दुआओं का काफी असर मानते हैं। दादू की लेखनी और ज्ञान से इन्हें काफी कुछ हासिल हुआ। फिर ईश्वर की दया से इनकी मित्रता बावरा बंधुओं इंदर भावरा एवं सनी बावरा से हुई।
इन दोनों के साथ इन्होंने कलश के श्री जय कृष्णा से टीवी के लिए गाने लिखने की शुरुआत की। और कमाल देखिए कि फिल्मों के लिए भी इन्होंने पहली मर्तबा इन्हीं संगीतकार बंधुओं के लिए गीत लिखा, फिल्म रॉकी हैंडसम में। शेखर जी इसका श्रेय उसी पहचान, उसी मित्रता को देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम शेखर जी की इन दो पंक्तियों को इन्हीं के जीवट को समर्पित करते चलते हैं। आग तो तुझ में भी है, बस फूकने की देर है। कामयाबी क्या है, तेरी कोशिशों का ढेर है। बहरहाल हम अगर धारावाहिकों में इनकी लेखनी का अवलोकन करें तो पाएंगे कि इन्हें आधे से ज्यादा गाने माइथोलॉजिकल सीरियल्स में लिखे हैं। ये पूछने पर कि आखिरकार ऐसा किस तरह संभव हुआ, शेखर जी इसे ऊपर वाले की नेमत मानते हैं। कोई शक्ति है जो इनसे ऐसा करवा रही है। हाँ, शुरुआत का पूरा श्रेय ये दादू को देते हैं। उनकी संगत ने इनका झुकाव कृष्ण और राम की तरफ कर दिया। फिर जय श्री कृष्णा, मीरा, रामायण, महादेव, राधा कृष्ण जैसे सीरियल्स ने इस दिशा में इनकी गति मजबूत और तेज कर दी। बात राधा कृष्ण की आई तो हम शेखर जी की इन प्रेम से सराबोर कालजयी पंक्तियों का आनंद लिए बिना कैसे आगे बढ़ जाएं? कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा, कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। वाह, अद्भुत, इससे सुंदर क्या ही लिखा जाएगा। खैर, बातचीत के क्रम में हम बढ़ते हुए संजू तक भी आ गए। शेखर जी ने कहा, इस गीत के संगीतकार विक्रम मैंट्रोस ने इनसे एक सकारात्मक गाने की सिचुएशन का जिक्र किया। ये शब्द लिखते गए और संगीत ने उन शब्दों में चार चांद लगा दिया। और फिर राजू हिरानी जी के क्या ही कहने, कुल मिलाकर एक जबरदस्त गाना बन गया जो लोगों की जुबान पर आज भी चढ़ा हुआ है। शेखर जी इसी बहाने लिखने की प्रक्रिया भी समझा जाते हैं। कहते हैं कि सिचुएशन एक बीज का काम करती है और वो बीज आपके अंदर के सारे अनुभवों को निचोड़कर पन्ने पर एक पेड़ को जन्म देती है। यकीन मानिए, ये अनुभव लेखन को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। शेखर जी ने संजू के बाद के फिल्मी गीतों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ओटीटी पर तोरबास फिल्म में उनका मौला नाम का एक गाना आया जो भले ही उतना मकबूल ना हो पाया लेकिन उन्हें काफी नाज है। शेखर जी गाने में सिंप्लिसिटी की पैरवी करते हैं और इसलिए उन्हें पुराने जमाने के गीतकारों में शैलेंद्र और आनंद बख्शी खासे पसंद आते हैं। सादे शब्दों में सूफियाना और दार्शनिक बातें कर जाना कोई साधारण बात नहीं। शेखर जी खुद भी लिखते वक्त ऐसी ही कोशिश करते रहते हैं। चलते चलते चलिए हम शेखर जी की पसंदीदा कविता उन्हीं की आवाज में सुनते चलते हैं। वीर थे कमान हो गए, वीर कमान हो गए, कैसे बेजुबान हो गए, इस पानी के लिए अब लोग कीकदान हो गए, कमान हो गए, कि चलते फिर के धड़ बचे हो फिर कहाँ पे रख दिया, मुख विरीत रोटियों से आत्मा को ढक दिया, बीच में हसी मिली तो झोलियों में ढल गई, आप के जुलूस कैसे बर्फ में बदल गए, ये मुट्ठियां प्रणाम हो गई, मुट्ठियां प्रणाम हो गई, और हौसले थकान हो गए, एक पानी के लिए।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी, और आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया। कार्यक्रम है एक मुलाकात जरूरी है, और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही कामयाब गीतकार शेखर अस्तित्व जी। शेखर जी ने फिल्मों में, धारावाहिकों में ढेरों गीत लिखे हैं। आप इनके गीतों से बहुत बाखूबी परिचित हैं, और संजू फिल्म का कर हर मैदान फतेह तो बच्चा बच्चा इस गीत से परिचित होगा। आज शेखर जी आज हमारे साथ हैं अपनी अपने गीतों के साथ, अपनी कविताओं के साथ, और अपने सारे जिंदगी के अनुभवों के साथ, जिनके साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे। तो शेखर जी का मैं स्वागत उन्हीं के लिखे हुए इस खूबसूरत अशार से करना चाहूंगा। ये तो अस्तित्व की लड़ाई है, ये तो अस्तित्व की लड़ाई है, सर न दोगे तो कमर जाएगी। तो शेखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी शास्त्री जी कि मुझे आपने आज इस प्लेटफॉर्म पर आने का अच्छा अवसर प्रदान किया, और आपके माध्यम से मुझे हमारे श्रोताओं तक एक रिश्ता भी बनेगा एक, है ना। तो शेखर जी, हम जानते हैं कि आप कितने दिग्गज गीतकार हैं, आपने इतने सारे गीत फिल्मों में, धारावाहिकों में लिखे हैं, और काफी कामयाबी आपने फिल्म इंडस्ट्री में हासिल करी है। पर हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी जो शुरुआत है, जर्नी की जो शुरुआत है, बालाघाट से लेकर जो आपकी शुरुआत हुई थी, वो वहां पे एक लेखक बनने की जो चाह थी वो कैसे आपके मन में जागी, किस तरह से आपने इसको प्रोसीड किया, और कैसे आप मुंबई तक पहुंचे? बिल्कुल जी, देखिए ऐसा है कि मेरे बाबू जी स्वर्गीय वामन राव जी जो थे, उनको एक आदत, बाबू जी लिखते रहते थे रचनाएं, कविताएं। तो वो एक मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, कह लीजिए एक मेरे शुरुआती दौर में, और चाहे शुरू से ही एक बाबू जी की लाइब्रेरी भी, उनकी किताबें वगैरह, तो पढ़ने लिखने का माहौल एक जो था वो घर से ही मिला, और उसके साथ साथ बाबू जी को लिखते हुए देख रहा हूँ, पढ़ना कभी कई बार, तो वो जो चीजें थी वो मेरे लिए एक प्रेरणा का काम किया उसने, और इस तरह से धीरे धीरे लिखने पढ़ने में रुचि जागी, और उसके बाद बस चल पड़े। जहाँ तक मुझे याद है छठवीं कक्षा से ही हमें ये शुरुआत हो गई थी, पांचवी क्लास के अंत, और छठवीं क्लास से हमें कह सकते हैं कि एक विधिवत शुरुआत हो गई थी, जिससे कि हमें अपने स्कूल कंपटीशन जो कहते हैं ना, शाला स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है अपने, है ना, तो वहीं से शुरुआत हो गई थी जी। तो लेकिन इसको जीविका बनाने का आपने सोचा कि मुझे लेखनी में से, लेखनी से ही अपनी जीविका बनानी है, ये कब आपने डिसाइड किया? अब ये तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो इस तरह से घुल मिल गए ना। अच्छा। शुरू से आदत रही लेखन की। अच्छा। तो मैंने बस लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, और उसके बाद से कलम नहीं, समझ लीजिए गोद ले लिया, हम तो हमको सुना वही कर रही है पता नहीं चला। लेकिन जी जी, तो उसके बाद फिर ये कब डिसाइड हुआ कि मुंबई आना है और मुंबई में फिल्मों के लिए लिखना है, मतलब फिल्मों के लिए जो राइटिंग होती है, जैसे आपने बताया कि जो साहित्यकार को आपने पढ़ा शुरू में, और जो एक लिटरेचर वर्क होता है थोड़ा सा उसका फ्लेवर अलग होता है, देन फिल्मों का जो एक टेस्ट होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो फिल्मों के प्रति भी क्या आपकी शुरू से कोई रुचि रही फिल्मी गीतों के प्रति? फिल्में वगैरह देखती है एक आमतौर पर, जिस तरह से सभी लोग देखते हैं उसी तरह, तो बहुत ज्यादा शौक भी नहीं था और बहुत ज्यादा कटा हुआ भी नहीं था फिल्मों से, हमें जैसे हम सामान्य रूप से देखते हैं कभी महीने में, है ना, एक दो फिल्में देख ली था इस तरह से, तो बहरहाल एक विशेष कुछ भी नहीं था कि फिल्मों के लिए लिखना है, इस तरह का कुछ हमें उद्देश्य नहीं बनाया हुआ था, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं बनाया हुआ था। तो बस यही है कि जब से यात्रा एक बहते चले गए समय के साथ, चीजें होती चली गई, और विशेष रूप से यानी कि ऐसा लक्ष्य बना करके, निर्धारित करके कि यही करना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। बस एक लेखन में आपकी सीमा, और बस इसी माध्यम, है ना, लेखन के माध्यम से चलते रहे, अवसर मिलते रहे। अच्छा। और मुंबई जब आए तो मुंबई में दादी से मुलाकात हुई हमारे गुरुदेव रविंद्र जैन जी से, तो उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहन दिया, उन्होंने भी रचना की, और इस तरह से उनके सहायक के रूप में हमें कार्य करने का एक अवसर मिला, और दादी के साथ जब जुड़ गए तो उसके बाद से सारे ही कह लीजिए डॉक्टर रामानंद सागर जी या सुरेंद्र भगवत जी या अन्य और भी अपने इंडस्ट्री के साथी सब दिग्गज लोग, महान लोग, और बड़े ही कहते हैं जो ऋषि तुल्य व्यक्ति थे दादी, तो उनका लेखन, उनकी अपनी स्वयं की लेखनी बड़ी अद्भुत
डॉक्टर सागर रामन सागर थे, वो भी एक इसी तरह के, मैं इनको कहता हूँ वो इंडस्ट्री में है जरूर से, लेकिन वो ऋषि तुल्य व्यक्ति थे, एक महर्षि की तरह व्यक्ति थे, इतना ज्ञान के यानी अपने आप में भंडार से तो ऐसे गुड़ी जनों के चरणों में बैठकर काफी कुछ सीखने का सौभाग्य मिला और बस चीजें अपने आप होती चली गई धीरे धीरे। फिर सीरियल की शुरुआत हो गई, फिर उस समय में वो पैसे वगैरह चला करते थे एल्बम वगैरह, तो उस तरह से छोटी छोटी एक एक कदम चल पड़े, बस इस तरह की शुरुआत रही जी। तो फिल्मों में मतलब सबसे पहले शायद आपने सीरियलों से स्टार्ट किया था, आपने काफी सारे सीरियल्स लिखे, तो पहला मतलब प्रोफेशनल ब्रेक कौन सा था जिसने आपको लगा कि हाँ कि अब मुझे यही काम करना है कि हाँ मैं एस्टेब्लिश हो रहा हूँ धीरे धीरे? अब एस्टेब्लिश की बात तो खैर क्या कहें, बस एक ये था कि हाँ भाई अभी इस तरफ एक रास्ता खुल रहा है ना। अच्छा, एस्टेब्लिश होना और वो सब चीजें तो खैर मैं उसमें विश्वास ही रखता हूँ, मैं इसको भी एक यात्रा का अंग ही मानता हूँ, है ना, अंतिम तौर पर अपनी अंतिम चलते रहना है। तो बहरहाल तो शुरुआत होने के बाद में दादू के साथ अनेक वर्षों तक ये लेखन का अवसर मिला और इसी बीच में हमारे मित्र इंदर बावरा और सनी बावरा जो बड़े अच्छे कंपोजर थे, तो हमारी बड़ी अच्छी मित्रता थी, काफी सारा हम लोग यानी साथ में उठना बैठना गीतों के बारे में चर्चा करना कुछ अपना उन्हें करते रहते थे अपने, हमने मुखला लिख दिया उन्होंने कंपोज कर दिया इस तरह से, कभी उन्होंने कुछ सिचुएशन बता दी शेखर भाई इस तरह का करना है, हमने कहा ठीक है भाई, इस तरह से शुरुआत एक थी। और मेरा ख्याल मीरा एनडीटीवी में जिन पर एक धारावाहिक आता था, और उससे भी पहले जो इंदर भाई के साथ में जो सनी भाई के साथ शुरुआत जो हुई वो हुई अपने जो जय श्री कृष्णा जो कलर्स का धारावाहिक आता था। अच्छा, तो उस धारावाहिक से सर्वप्रथम कलर्स के धारावाहिक जय श्री कृष्ण, तो वहाँ से फिर इंदर भाई के साथ एक बुलाव हुआ और चल पड़े यात्रा आगे बढ़ी। और उसके बाद इन्हीं के साथ मुझे यानी इंदर भाई अपने जो इंदर बावरा सनी बावरा है उन्हीं के साथ में मुझे मेरा फिल्म का भी जो पहला ब्रेक कर सकते हैं हम वो मिला, रॉकी हंसल फिल्म का गीत जो है खुदा मैंने लिखा था और वो मेरा पसंद गीत था, वो भी इंदर भाई के थे, वो ही थे धारावाहिकों के चलते जो एक पहचान बनी हुई थी हमें इनके साथ ही जो संबंध बने हुए थे, वहीं से फिर एक अवसर वो मिला फिल्मों की तरफ। तो जो धारावाहिक भी आपने किए उनमें भी बहुत सारा म्यूजिक का स्कोप रहा, आपने उनमें भी बहुत सारे गाने लिखे, वो बहुत सारे माइथोलॉजिकल ज्यादा थे उनमें से, तो माइथोलॉजी में भी आपकी रुचि रही शुरू से जो आप इंस्पायर हुए इन चीजों को लिखने के लिए? हाँ नहीं देखिए रुचि तो शायद पढ़ने में थी शुरू से, तो कहीं से भी कुछ भी मिला तो एक आदत थी पढ़ने की, जिज्ञासा भाई कहाँ क्या लिखा हुआ है कुछ भी अपना सब पढ़ते रहने से उसको भी चीज़ें एक नई जानकारी मिलती है उस हिसाब से, तो एक सहज उत्सुकता बनी हुई रहती थी। तो इसी तरह से चीज़ें और फिर क्या हुआ कि पढ़ते पढ़ते फिर जब दादू के साथ में जुड़े तो दादू तो अपने आप जानती ही कि अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी और अथाह ज्ञान के भंडार है ना, और कमाल की उनकी सारी ही चीज़ें जो कह लीजिए एक ऐसा खजाना थे दादू ज्ञान का, और खासतौर पर माइथों में जो उन्होंने है ना इतिहास रचे हो तो सारे है ना दुनिया को पता ही है विश्व प्रसिद्ध जी जो है रामायण। तो बहरहाल दादू के साथ रहते हुए ही काफी सारी चीजें पढ़ना लिखना और माइथों के प्रति है ना जो अतिरिक्त जो कहते हैं ना हम अतिरिक्त झुकाव क्योंकि आप वही कर रहे हैं। अच्छा। तो करते करते फिर इस तरह का हुआ और फिर दूसरी बात ईश्वर की कृपा से अवसर भी इसी तरह का है, बाइकों के ही सीरियल मिलने लगे, तो जैसे जय श्री कृष्णा से शुरुआत हुई, उसके बाद में मैंने बताया आपको युवराज किया है ना, फिर और रामायण किया, तो इस तरह से महादेव किया, इस तरह से जितने भी जो समझ लीजिए एक तरह से अगर कहा जाए तो ईश्वर ने ही पाला ये भी कह सकते हम शुरू से ज्यादा इतने ज्यादा जो कुछ कर किया काम तो माइथो 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 है ना, तो बस ईश्वर की कृपा बनी रही जी और चलता रहा अभी तक चल रहा है। अच्छा शेखर जी, एक आपका जो गाने तो वैसे आपने काफी लिखे हैं लेकिन एक गाना तो मुझे लगता है कि वो ऐसा है जो शायद जब तक हम फिल्मी म्यूजिक की बात करेंगे तब तक उस गाने की बात करेंगे, क्योंकि वो इतना इंस्पायरिंग सॉन्ग है, कोई भी चाहे कितनी भी जिंदगी के बुरी अवस्था से भी गुजर रहा होगा लेकिन वो गाना जो है उसको प्रेरणा देता है। जहां मैं बात कर रहा हूँ कर हर मैदान फतेह, जो आपने संजू के लिए लिखा था,
और वो बाकायदा फिल्म के अंदर उस सिचुएशन के अंदर इतने अच्छे से फिट होता है वो गाना, मतलब एक माइलस्टोन सॉन्ग है। इस गाने की जर्नी थोड़ी सी बताइए कि ये गाना आपके झोली में कैसे आया और कैसे आपने इस गाने के बोल सोचे, ये थोड़ा सा बताइए। जी हमारे जो मित्र है हमारे प्रिय अनुजी विक्रम के कंपोजर है जिन्होंने की इसको संगीतबद्ध किया, उनके पास में जब ये सिचुएशन आई थी तो उन्होंने जिक्र किया मुझसे, बोले भाई हम लोग बैठे जिस तरह से हम लोग आमतौर पर काम करते बैठना विचार विमर्श करना मंथन करना है ना, जो सिचुएशन आई है उसको आपस में किस तरह इसको बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, इस तरह से बस सोचना और उसके बाद ये फिर कोशिश करते रहना क्या अच्छा निकल करके आ सकता है, किस तरह से इसमें है ना किस तरह से वो जोश भरा जा सकता है, वो उमंग भरी जा सकती है, वो एक जो सकारात्मकता है जीवन के प्रति है ना इस तरह से। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको गीत को कंपोज किया, और वाकई एक तरह से अगर कहा जाए तो गीतों में वो गीत के जो शब्द थे उसमें जो अपने संगीत से उन्होंने प्राण खरीद लिया और बहुत ही ईश्वर की कृपा से तरह की अद्भुत सुखिंदर जी ने और श्रेया जी ने इसको गाया जी, और राजू सर की तो वाकई क्या तो दिग्गज डायरेक्टर है, उन्होंने जिस तरह से इसका पिक्चराइजेशन किया सारा कुछ है ना, एक जब कहते हैं ना कि हर तरह से हर अंग जब किसी भी गीत का बड़ा ही यानी अच्छे से सारी चीजें जब संयोग अच्छे से जुड़ जाते हैं तो वो चीजें फिर अविस्मरणीय हो जाती है, ऐसा कुछ इस गीत के साथ ये संयोग। और एक इत्तेफाक की बात यह है कि फिल्म के अंदर भी जो कैरेक्टर है संजय दत्त सुनील दत्त जी का जो संजय दत्त के फादर होते हैं वो उनको बताते हैं कि फिल्मी गीतों से इंस्पायर हुए हैं, उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी के आनंद बख्शे कुछ गानों का जिक्र करते हैं कि गाने मुझे इंस्पायर करते हैं, ये इत्तेफाक की बात है कि उस समय एक ऐसा गाना था जो आज लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो इसमें ये जो गाना आपने लिखा इसमें कहीं जब सिचुएशन आपके सामने आई तो कोई आपकी जो लाइफ की जर्नी रही है जो संघर्ष रहे हैं कहीं वो भी आपके दिमाग में चलते रहे कि हाँ, या फिर आपने बाकायदा संजय दत्त को ही माइंड में रखा इस गाने को लिखते हुए? मैं देखिए इसको मैं शुरू से लिखता हूँ कि कोई भी चीज होती है तो एक जैसे सिचुएशन आपको मिली है जिसने आपके लिए एक बीज का काम किया, प्रेरणा का काम किया है ना, तो वो बीज का काम कर देती है, प्रेरणा का काम कर देती है, उसको हमने कह लीजिए अपने हृदय में उसको आपने बो दिया उस भाव, और उसके बाद जब आप उसमें डूबते हैं तब आप उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो प्रामाणिकता जो आती है वो आपके जिए हुए आपके अनुभव से ही आती है। जी जी। तो एक तरह से कहने के लिए बेशक जो है गीत कविताएं ये एक भले ही कल्पना की चीज हो लेकिन इसमें वो जो प्रामाणिकता वो जो जीवंतता वो जो कहते हैं कि हृदय को छूने वाली जो बात है तभी आती है जब वो कहीं ना कहीं आपका अपना अनुभव है, और इस तरह से अगर ये वो जैसे ही आपका अनुभव उसमें जुड़ जाता है ना तो वो चीजें बड़े एक यानी अलग लेवल पर चली जाती है ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी। तो ये जो गाना जब इतना कामयाब हो गया तो जो उनका क्रू था उन्होंने आपको किस तरह से रिएक्ट किया, मतलब रणवीर सिंह रणवीर कपूर की बात करें या फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राजू हिरानी, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन रहा था मतलब इस गाने को लेकर? एकदम बहुत मैं तो हृदय से सरस्वती को आभार मानता हूँ कि डायरेक्टर ने मुझे अपने रणवीर जी ने और अपने परेश रावल साहब और मनीषा कोइराला जी जिसमें संगीत की सबसे पार्टी थी उस समय में, और सारे जो लोगों ने इतने हृदय से इसके लिए मैंने कह सकते हैं शुभकामनाएं दी, इतनी खुशी हुई सभी को, बहुत अच्छा लगा और उनकी खुशी देख करके मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये तो मेरे लिए पहला अनुभव था, ये तो सभी है ना अपने फील्ड के दिग्गज लोग हैं और एक अच्छा खासा है ना राजू सर है परेश रावल साहब मनीषा जी ये सब दिग्गज, और फिर जब हमको लगता है कि हाँ भाई वाकई कुछ ठीक ठाक सा ईश्वर ने करवा लिया है खुशी होती है सभी के चेहरे पर, वो खुशी देख करके लगता है हाँ विश्वास होता है कि हाँ भाई चलो ठीक ठाक सा कुछ है ना करवा लिया ईश्वर ने, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, बहुत हम्बली आपने इस गाने के बारे में बताया, हालांकि ये गाना जो है ये बहुत ही मतलब आइकॉनिक सॉन्ग है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही शानदार गाना और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इसके बाद जो आपने गाने लिखे उन गानों के बारे में से कुछ बताइए, कुछ ऐसा गाना जो आपको बहुत खास रहा हो जो जिसको लिखते हुए आप कुछ अनुभव जो है आप शेयर करना चाहें उसके मेकिंग प्रोसेस के। देखिए अभी तो
चीजें हैं यात्रा में, ये सब चीजें चलते रहती है। और मेरा ख्याल है उसके बाद में तो फिर किसी को समझे आई मेरी जिम्मे की, मैंने अलग तरह के भी लिखे थोड़े से और जो कि उतने यानी वो नहीं चले। हालांकि क्या हुआ कि कुछ इसमें ये भी कह सकते हैं लॉकडाउन जो अपना आया था ना, ये सब कोरोना का पेंडेमिक ये सब, तो इस दौर में मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी वो OTT पर हुई थी, तोरबाज जिसका नाम था संजय दत्त साहब, तो वो तोरबाज में उसमें भी एक गीत था जो मुझे बहुत बेहद मेरे दिल के करीब था। अच्छा। और मुझे लगता है कि वो गीत यदि इस तरह से आया होता तो वाकई, लेकिन वो फिल्मों में चूंकि पूरी फिल्मों में एक ही गीत था और सभी गीत था, और वो गीत क्या हुआ कि अगर सिचुएशन के आधार पर यानी दो भागों में उसको वहाँ वो किया गया था, यानी किस तरह किया गया था फिल्म में। अच्छा। शुरू में किसी पास में एक मुखड़ा आ जाता है, देन फिर कुछ दृश्य गुजरते हैं, उसके बाद दूसरे किसी में उस मिले का अंतर आ जाता है। वो गीत बड़ा खूबसूरत था, मेरे दिल को बड़ा करीब भी था। अच्छा। लेकिन वो चूंकि एक गाना था और अलग से उसका म्यूजिक लॉन्च नहीं हुआ, म्यूजिक रिलीज नहीं हुआ, ये हो गया था, लेकिन यूट्यूब पर मिलेगा आपको। नफरत की वजह क्या है, इतनी नफरत की वजह क्या है, तेरे बंदों को हुआ क्या है, टूट कर सांस से मिल रहे साथ में, इन गुलों पे रहम कर गया मौला, मौला करम कर जरा। ये आप सुनिएगा आपको भी अच्छा लगेगा। जी गाना सुना मैंने, ये बहुत अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया गाना है। जी जी। स्क्रीन प्ले में भी आप अब अभी कदम रख चुके हैं, मतलब स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं आपने, तो इस दिशा में भी जाने का भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो संयोग बस कभी कुछ अवसर आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन उतनी मेरी दक्षता नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ, और बस ईश्वर करवा लेता है, जो कुछ चीजें कभी आ जाती है कर देते हैं, अन्यथा ऐसे कुछ कहते ना जिसको कुछ दखल रखना वो अभी तक है ना, मैं उसमें अपने आप को इतना सक्षम नहीं मानता हूँ कि भाई वो मेरी विशेषता नहीं है। जी। फिल्मी गीतकारों में से आपके पसंदीदा कौन से रहे हैं, जो पुराने गीतकार हमारे रहे हैं उनमें से किन से आप ज्यादा इंस्पायर रहे हैं पहले? मुझे देखिए तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ही कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में जितने भी हमारे अग्रज जी दिग्गज गीतकार आए हैं और जिन्होंने उस शीर्ष को छुआ है, शिखर पर जीवन में अपना परचम लहराया है, बेशक उन सभी ने कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एक बात तो ऐसी थी जो कमाल थी, इसलिए उन्होंने उसे शीर्ष को छुआ और शीर्ष पर वो स्थापित किया है ना। तो कुछ लोग हैं भले जिनकी ने कुछ कम काम किया है लेकिन अद्भुत गीत रखे हैं, है ना। तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि सारे ही लोग, चाहे आप शैलेंद्र साहब को ले लें, हम तो जयपुरी साहब को ले, अपने साहिर साहब ले लें, चाहे बख्शी साहब ले लें, अपने योगी जी ले लें, अभिलाष जी ले लें, जितने भी दिग्गज गीतकार हुए हैं है ना, तो सभी चाहे, लेकिन मैं पर्सनली जो गीतों से जो सादगी है बड़ी, और कहते हैं क्योंकि हमें बिना किसी आग लपेट के सहज शब्दों में आम जनमानस की भाषा में, तो वो मुझे यानी प्रिय है वो चीज मुझे, क्योंकि मैं शैलेंद्र जी को विशेष रूप से इस मामले में पसंद करता हूँ कि उनकी लेखनी में वो जादू अद्भुत का मामला था, तो ये सब ठीक है। और बाकी तो फिर समझिए कि ईश्वर की कृपा जिन जिन पर हुई है सभी प्रणाम में है, लेकिन विशेष रूप से मैं कहूँ तो मुझे शैलेंद्र जी ने बहुत, और उनकी बात तो अपने बख्शी कहा, वो भी एक दुख सारी भरी रात में उतना चले खिलौना, ये जो चीजें हैं कि आप कुछ कह रहे हैं है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या, ये ना एक चीजें हैं कि आपकी आपकी देखने से पंक्ति निकल जाए कि जो एक तरह से कहने वो बन जाए मुहावरा, मुहावरे की तरह वो इस्तेमाल होने लगे, मुहावरा बन गया भाई। ये मैं मानता हूँ कि कमाल की चीजें हैं, ईश्वर की असीम कृपा होती है। बिल्कुल।
और ये शेखर जी आपके साथ भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कर हर मैदान फतेह भी आज की डेट में एक मुहावरा है। जब भी किसी को इंस्पायर करना होता है तो हम लोग ये सब चीजें बोलते हैं। ईश्वर की कृपा है, हम यही कहते हैं कि ईश्वर की कृपा हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हम सभी कोशिश करते हैं, हर व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब जो है ईश्वर की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है सर। ये मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है ना, आप चाहे जो भी सोचो, लेकिन मैं कहता हूँ कि सारे संयोग जुड़ना, तो वो कहता ना वो मानस में गोस्वामी में तुलसीदास ने कहा भी है ना कि सही जानो ये देह जाना, ये ईश्वर बस मैं उतना ही जानने की क्षमता रखता हूँ, उतना जानने की तूने मुझे योग्यता दी है ना। एक नहीं तो थोड़ा सा दिमाग तो हिल जाएगी तो है ना, कपड़े फाड़ के सड़कों पर लोगों को पत्थर मारते फिरेंगे है ना, पागल हो जाएंगे। तो ये जो दिमाग अगर काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये उसी ईश्वर की मर्जी, उसके जो भाव आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं है ना, वो जो अनुभूतियां आ रही हैं, और उन अनुभूतियों को फिर अभिव्यक्त करने की जो क्षमता दे रहा है ना, वो जो उन भावों को जब अभिव्यक्त करने की जो क्षमता, ये सारी की सारी चीजें मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा के बिना संभव ही नहीं। जी, बस मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि बस ईश्वर की कृपा बनी हुई है और बस इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। मैं अपने आप को कभी भी जब गहराई से देखता हूँ तो इस योग्य नहीं पाता, रस्सी भर भी, रस्सी भर भी मान लीजिए इस बात को, रस्सी भर भी तुमको इस योग्य नहीं पाता हूँ, कुछ सब ईश्वर की कृपा है, उन्हीं का दिया हुआ। तो शेखर जी, आपकी जब कविताओं से गुजरते हैं ना, तो हमें पुराने जो गीतकार हैं, जैसे हिंदी के गीतकार खासतौर पे जो हिंदी में ज्यादा लिखते थे, जैसे नीरज जी हो गए, योगेश जी हो गए, ये सब हमें याद आते हैं, क्योंकि इतनी शानदार शब्दों में और इतने सरल हिंदी शब्दों में आप चीजों को कहते हैं। एक कविता मुझे विशेष रूप से आपकी बहुत पसंद, सिर्फ एक पान के लिए लोग एक दान हो गए, तो क्या ये डिसाइड कर पाएंगे आप? काफी पहले का काफी पुराना गीत है, लेकिन बहुत ही शानदार इस एक लाइन में मुझे लगता है कि आपने आज के जमाने के ऊपर पूरा एकदम सही तंज मार दिया है, बिल्कुल कि एक पान के लिए लोग पिक दान हो गए। गजब भाई है ना, कि हम जब देखते हैं कि वाकई हर तरह से हम एक जो खराब आ रहा है, चाहे किसी भी चीज में देख ले, किताब में देख ले, किसी भी चीज पतन की ओर हम लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है व्यसित करती है मन को, उद्वेलित करती है, एक है ना जो यही है जो अपने किला एक होती है, और उस किला के कारण जन्मा हुआ ये युवा तो कहते हैं हम किधर जा रहे हैं भाई है ना, क्यों बस इसी किला से जन्मा हुआ गीत है। वीर थे कमान हो गए, वीर थे कमान हो गए, कैसे बेजुबान हो गए, पानी के लिए अब लोग दान हो गए, पानी हो गए, चलते फिर के धड़ बचे हो फिर कहाँ पे रख दिया, मुख विरीत रोटियों से आत्मा को ढक दिया, बीच में हसी मिली तो झोलियों में ढल गए, भाप के जुलूस कैसे बर्फ में बदल गए, ये मुट्ठियां प्रणाम हो गई, मुट्ठियां प्रणाम हो गई, और हौसले थकान हो गए, फिर एक पान के लोग पीदान। जी शेखर जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और हमसे इतनी सारी बातें शेयर की। जाते जाते कुछ हमारे रेडियो प्लेबैक के श्रोताओं के लिए जब आप कहना चाहें प्लीज आप कहें। सर्वप्रथम तो आप सभी को जो श्रोता जो हमसे जुड़े हुए रेडियो प्लेबैक के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उन सभी श्रोताओं को मैं सर्वज्ञ प्रणाम प्रेषित करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी का स्नेह इसी तरह मिलता रहेगा, बना रहेगा, और उम्मीद भी करता हूँ कि सजीव सारथी की आपके माध्यम से मुझे फिर दोबारा कभी इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आके आपके श्रोताओं से फिर से मिलने का एक मौका मिलेगा। ये रिश्ता आने वाले समय में भविष्य में और प्रगाढ़ होता रहे, यही कामना करता हूँ। जी शिखर जी, जरूर जरूर हमारे साथ आप बने रहिए और हम लोग मिलकर बहुत कुछ अच्छा अच्छा नया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सजीव जी।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया।